हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स 2 इन 1 चैनल। आज हम यहाँ पे जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है माउस। आज हम इजीली ढंग से माउस बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। नाउ आई स्टार्ट माय वीडियो। देखिए, पहले हम ऐसे कर लेंगे, फिर जैसे एम लिखते हैं वैसे। अब नीचे जो है हमने वो बनाना है डब्ल्यू की तरह, 1 W 2 W and 3 and 4। उसके हमने पैर बना दिए हैं आप जैसे कि देख रहे हो। फिर हम इसको ऐसे राउंड एकदम से बस ऐसे ले जाकर उसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए कितने इजीली ढंग से हमने माउस बना लिया। अब इसकी हम पीछे बना देंगे टेल। ये जो है मैं बना रही हूँ, ये मैं अपने पेंसिल कलर के साथ बना रही हूँ, मुझे उसके साथ बनाना अच्छा लगता है। तो आप पेंसिल के साथ भी बना सकते हो, स्केच के साथ भी बना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे बनाएंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा माउस 1 मिनट में रेडी हो गया। देखिए कितने, 1 मिनट से ये अभी हुआ नहीं है, उससे भी पहले हो गया। आप किसी भी जगह पे माउस बनाना हो, आप इजीली ढंग से ऐसे माउस बना सकते हो। तो अब इसमें हम करेंगे कलरिंग। तो नाउ देखिए, इसमें मैं जो कलरिंग कर रही हूँ वो ऐसे इस ऑयल पेस्टल कलर के साथ करूँगी। ये देखिए, कलरिंग करते वक्त आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब आप आउटलाइनिंग के पास जाते हैं तो आप स्लो हो जाना है ताकि बाहर कलर ना जाए। जैसा मैं आपको कलरिंग करके दिखा रही हूँ ना, कि आप ऐसे स्लो हो जाओ ताकि आउटलाइनिंग मेन होती है। उसी के साथ अगर हम बाहर निकल जाएगा कलर तो ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो आउटलाइनिंग है जो आपने, वो हमेशा स्लो मोशन में करनी है। इंटरनल आप जो मर्जी जल्दी से कलरिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अब, लेकिन आउटलाइनिंग वक्त आप बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। ऑयल पेस्टल कलर के साथ ओरिजिनलिटी लगती है कि जैसे हाँ ये ओरिजिनल चीज़ है। बाकी कलर्स के साथ भी लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती जैसे कि इसके साथ लगती है। ये देखिए, ये देखिए हमारी बस अब कलरिंग भी कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि देखिए, ये देखिए अब फीट में भी हम डाल लेंगे। ये देखिए हमारा माउस कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें इतनी फिनिशिंग नहीं लग रही। अब जैसे ही हम इसमें स्मजिंग करेंगे, ये देखिए इसमें ओरिजिनलिटी आने लग जाती है। जैसे ही हम इसको स्मज करते हैं तो इसको, ये देखिए ओरिजिनल लगने लग गया ना, कि जैसे माउस ही भागा जा रहा है रियलिटी में। ये देखिए, ये देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जैसे हम स्मज करते हैं वैसे ही कलर इस तरह से ओरिजिनलिटी में स्प्रेड हो जाता है। ये देखिए नाउ हमारा जो है माउस रेडी है। आपको ये माउस कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।